पहले पहले हम कैली छठी मैया बरत तोहार, छठी मैया बरत तोहार, करी हाँ क्षमा छठी मैया, भूल चुक गलती हमार, भूल चुक गलती हमार। तो लिसनर्स, ये आवाज़ सुनकर आई थिंक आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं किससे बात करने वाली हूँ हमारे शो चमकते सितारे में। जी हाँ, ये हमारे रांची के शगुन पाठक हैं, तो इनका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी रेडियो खांची 90.4 एफएम पे। धन्यवाद। लिसनर्स, आज हमारे शो चमकते सितारे में मेरे यानी आरजे वैभवी के साथ मौजूद हैं शगुन पाठक, जिनकी आवाज आपने काफी सुन रखी होगी, जो कि इंटरनेट सेंसेशन है और अभी जीटीवी के शो स्वर्ण स्वर भारत में छाकर आए हैं, हमारे झारखंड, हमारे रांची का नाम रोशन करके आए हैं। तो इनके बारे में आपने सिर्फ जीटीवी पे देखा होगा या सुना होगा, थोड़ी बहुत चीजें आप आज इनकी जुबानी सुनेंगे इनके बारे में। तो शगुन, आप सबसे पहले बताइए कि आपका बचपन कहाँ गुजरा और आपकी जो स्कूलिंग है, हायर एजुकेशन है, वो कहाँ से हुई? सभी को नमस्कार, जोहार। मेरा नाम शगुन पाठक है और मैं रांची का रहने वाला हूँ और मेरी उम्र 20 साल है और मैं क्लास 10 तक ब्रिजफोर्ड स्कूल में पढ़ाई की मैंने, और 11-12 मैंने पढ़ाई किया विवेकानंद विद्या मंदिर से जी। और अभी मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ म्यूजिक से इंद्रकला संगीत विश्वविद्यालय से, सेकेंड ईयर में। और म्यूजिक का शौक मुझे बचपन से ही रहा, क्योंकि एक फैमिली बैकग्राउंड है मेरा म्यूजिक का, और उससे मुझे एक इंस्पिरेशन मिला कि मैं म्यूजिक में कुछ आगे करूं। और घर में बड़े पापा, चाचा, दादाजी, पापा, सब कोई ने काफ़ी सपोर्ट किया। एंड मुझे, मेरे पापा तबला बजाते हैं, मेरे दादाजी तबला बजाते हैं, और मैंने सिंगिंग का शौक रखा क्योंकि गाना बहुत पसंद था। एंड स्कूल्स वगैरह में गाता था तो टीचर्स भी बोलते थे कि तुम गाना सीखो। एंड मैंने इस पर वर्क किया तो आज मैं जी टी वी के एक नेशनल प्लेटफॉर्म तक मैं जा पाया जी। तो मैं और मेहनत करके चाहूंगा कि और भी नाम रोशन करूं सबका जी। और आपने जी टी वी पर जाकर हमारे बिहार झारखंड का जो छठ पर्व है, उस गीत को आपने गाया और बिहार झारखंड के लोगों के दिलों में अपनी एक अलग पहचान, अलग छाप छोड़ दी। तो अब आप बैठे हुए यहाँ पे हो और मैं सिर्फ आपसे बातें करूं, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो मैं अब आपसे वो गाना सुनना चाहूंगी जो आपने सबसे पहली बार गाया था और लगा आपको कि नहीं, मैं कर सकता हूँ। जी, मैंने सबसे पहली बार जो गाना गाया था, मैंने जो कंपटीशन में पार्ट लिया था तो उसमें मैं विनर बना था जी। तो ये उस गाना गाने के बाद जो मेरा जर्नी मैंने अपने माइंड में सेट किया कि मुझे म्यूजिक में आगे बढ़ना है एंड फोकस करना है, एक जो मेरा करियर है और मेरा एम है प्लेबैक सिंगिंग का। तो वो गाना गाने के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि मैं जरूर श्रोताओं को ये गाना सुनाऊंगा। हाँ बिल्कुल, वैसे तो आपके ब्लड में म्यूजिक था, बट वो किस दिन आपके माइंड में आया, आपके दिल में आया कि हाँ म्यूजिक मेरा प्यार है। अब सुना दीजिए हमें वो गाना जी। सांवरे 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 सांवरे, तेरे बिन सुनी सुनी है अखियां, तेरे बिन लम्हा लम्हा है सदियां, सुना सुना जहां लागे रे। सांवरे सांवरे सांवरे। बहुत खूबसूरत। शगुन, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये स्वर्ण स्वर भारत जो प्रोग्राम था जीटीवी का, इससे जुड़े अपने पूरे जर्नी को एक एक करके हमारे लिसनर्स को बताइए, क्योंकि लोगों के मन में काफी जिज्ञासा होगी जानने की कि आखिर टीवी के प्लेटफॉर्म पे जाने के बाद लोग सेलिब्रिटी बन जाते हैं तो उनकी लाइफ कैसी हो जाती है, या सेलिब्रिटीज के बीच में रहते हैं तो कैसे उनके साथ खुद को नॉर्मल करना होता है, कैसे लोगों के साथ डील करनी होती है। तो मुझे 1 नवम्बर को फोन आया कि जी टीवी की तरफ से जी कि एक डिवोशनल शो आ रहा है और क्या आप इसमें पार्ट लेना चाहेंगे जी जी, एंड इसमें आपको कहीं आने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये मतलब डिजिटल ऑडिशंस हो रहे हैं सभी के, पूरे ऑल ओवर इंडिया से हो रहे हैं जी। अगर आपका इसमें सिलेक्शन हुआ तो यू विल बी पार्ट ऑफ स्वर्ण स्वर भारत जी। तो भक्ति शो था तो मैंने ना तो किया नहीं, क्योंकि
भगवान का गाना गाने से अच्छा और क्या होगा। बिल्कुल। तो मैंने जब अपने वीडियोस भेजे तो उन्हें काफी पसंद आया और 9 तारीख को मेरा सिलेक्शन हो गया टॉप 20 में। जी 9 नवंबर। हाँ जी 9 नवंबर को मेरा सिलेक्शन हो गया और फिर मुझे सारा टिकट्स वगैरह वहाँ से मिल गया और मैं 13 तारीख को यहाँ से निकल गया। जी। और वहाँ पे 2-2.5 महीने मैंने बिताया और वहाँ जाने के बाद लगा कि मतलब म्यूजिक को किस तरह डिफाइन करना है वो वहाँ जाके मैंने सीखा, क्योंकि हर स्टेट से जो जो बच्चे आए थे देवर ऑसम, मतलब उनसे इतना कुछ सीखने को मिला और मैं वो सीख के आया हूँ और मैं उसे अपने फ्यूचर में ज़रूर निखारूंगा, जो भी मेरे में कमियां हैं या जो मैं नहीं सीख पा रहा था यहाँ रांची में। और मैं वहाँ पे सीखा मैंने और काफ़ी बड़े बड़े गुरु हमें मेंटर्स मिले थे और वो आके हमारे साथ समय बिताते थे, हमें गाना सिखाते थे, गाना सेलेक्ट करके देते थे, गाने के बेसिक नॉलेज के बारे में हमें काफ़ी बताया। और जब हमारा पहला डे था शूट का तब हम सब बहुत नर्वस थे एंड सुरेश वाडकर जी, कैलाश खेर जी, कुमार विश्वास जी जैसे दिग्गज हमारे जज हैं सामने बैठे हुए हैं और उनके सामने गाने में ऐसे ही हमारा काफ़ी हालत एकदम टाइट हो गया था कि हम कैसे उनके सामने गाएंगे, क्योंकि वो सब एकदम सुर के पक्के हैं। बिल्कुल, एक एक वर्ड पे फोकस होता है, वर्ड पे फोकस होता है और बहुत ही नर्वस हो गए थे, लेकिन भगवान का नाम लिया और मैंने जो परफॉर्मेंस दी वो सभी को बहुत पसंद आया। सुरेश जी ने मेरे रेंज के बारे में तारीफ की कि आपका अच्छा रेंज है, तो वो एक जो वो सीन हुआ तो उसके बाद जो एक मोटिवेशन मिलता है, कॉन्फिडेंस लेवल जो बढ़ता है वो काफ़ी बेहतरीन होता है। तो ये सब जर्नी मतलब लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट जर्नी 2-3 महीना अभी तक बीता है, क्योंकि ये पल का मैं बहुत दिन से इंतज़ार कर रहा था। 5-6 साल से रियलिटी शोज़ के लिए लगा हुआ हूँ, बट एक टीवी पे क्लिक करना जो मेरा मेन मोटो था कि इससे काफ़ी रिकॉग्नाइजेशन होता है। बिल्कुल। तो ये मेरा एक पूरा हुआ है और मैं चाहूँगा कि आगे और भी इससे बेहतर करूँ। बिल्कुल शगुन, अब मैं जानना चाहूँगी कि जब हम लोग स्क्रीन पर देखते हैं टीवी स्क्रीन पे तो काफ़ी माहौल जो है चुलबुला नज़र आता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी रोमांचक सारी चीज़ें होती हैं, तो कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई ऐसा मोमेंट जो आप लाइफ लॉन्ग याद रखेंगे, कभी भूल नहीं पाएंगे अपनी पूरी जी टीवी के साथ जो आपकी जर्नी रही 3 महीने की, वो हमारे लिसनर्स के साथ आप साझा करिए। जी, एक जर्नी तो मैं मतलब मरते दम तक नहीं भूल पाऊंगा। एक जो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ वो मतलब हम 10 पार्टिसिपेंट्स को लेके जाया जा रहा था कि एक सरस्वती वंदना रिकॉर्ड करना है और 2 और भजन रिकॉर्ड करना था। तो जब हम वहाँ पे पहुँचे तब हमें बताया गया कि ये लता मंगेशकर जी का स्टूडियो है और वो मेरे लिए वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट था। वो 3-4 दिन पहले ही वो अपने स्टूडियो से गई थी और उनके स्टूडियो में हमने 8-9 घंटा स्पेंड किया और माँ सरस्वती के स्टूडियो में जाके सरस्वती वंदना मैंने गाया जी। उनके माइक पे मैंने रिकॉर्ड किया जी। तो ये मतलब मेरे लिए बिगेस्ट मोमेंट रहा जी टीवी का अभी तक का सफर जी। जी, वैसे भी म्यूजिक के क्या पूरे देश भर में, पूरे वर्ल्ड में हम कह सकते हैं कि ऐसी सिंगर कोई नहीं आई और न कभी आ पाएंगी, साक्षात वो माँ सरस्वती की रूप थी। तो अगर हम बात लता मंगेशकर जी की कर रहे हैं तो उनका एक गाना तो जरूर बनता है, तो गा दीजिए। जरूर मैं सुनूंगा। बिल्कुल। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे हो नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे। बहुत खूबसूरत गाया आपने और हमारे लिसनर्स जो सुन रहे हैं वो रेडियो से अपनी कान हटा नहीं पा रहे होंगे आपकी आवाज़ सुनकर, इतनी मधुर आवाज़ है आपकी। अब हम सगुन आपसे जानना चाहेंगे कि जो लोग म्यूज़िक सीखना चाहते हैं, जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं म्यूज़िक में,
उनको आप क्या सजेशंस देना चाहेंगे, किस तरीके से म्यूजिक सीखना चाहिए, क्या पकड़ होना चाहिए? जी, सबसे पहले तो मैं खुद एक लर्नर हूँ और मैंने अभी तक जितना भी कुछ सीखा है, मैं यही बताना चाहूँगा कि आप अपना जितना बेस को मजबूत करेंगे, मतलब बेस हमारा म्यूजिक में है क्लासिकल सिंगिंग, तो क्लासिकल सिंगिंग जो भी सीखेंगे उनसे वो सीखने के बाद वो हर जोनर ट्राई कर सकते हैं। बिल्कुल, क्लासिकल सीखने के बाद आप वेस्टर्न भी गा सकते हैं। क्लासिकल तो गाएंगे ही, गज़ल, भजन, ठुमरी, मतलब जितने प्रकार के गाना होते हैं, तो वो बेस अगर आपका स्ट्रांग हो जाता है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी आगे गाना गाने में। जी, तो मैं यही सजेशन देना चाहूँगा सभी को। जी जी, तो आपने गाने के कई सारे प्रकार होते हैं, भजन होता है, क्लासिकल म्यूजिक होती है, वेस्टर्न म्यूजिक होता है, आप किस म्यूजिक में प्रेफर करते हैं ज्यादा गाना? वैसे तो आप सब गा लेते हैं, बट कौन सा ऐसा टाइप है गाने का जो आप पसंद करते हैं, गाना आपका जोनर है वो? जी, सेमी क्लासिकल, सूफी एंड गजल। जी, तो बात अगर सेमी क्लासिकल, सूफी, गजल की कर रहे हैं, तो एक सूफी सॉन्ग सुना दीजिए हमारे लिसनर्स को। वैसे तो मैं लालची हो रही हूँ, मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन अब सामने आप बैठे हो तो लालची होना लाजमी है। जी, मैं जरूर सुनाऊंगा सूफी गाना। जी, हीरे मोती मैं ना चाहूं, मैं तो चाहूं संगम तेरा, मैं तो तेरी सैया, तू है मेरा सैया, सैया तू जो छू ले प्यार से, आराम से मर जाऊं, आजा चंदा बाहों में तुझ में ही गुम हो जाऊं, मैं तेरे नाम में खो जाऊं सैया, सैया। गाना अगर आपकी इतनी खूबसूरत आवाज में सुनने को मिल जाए तो होली से पहले ही यूं ही रंग बिखर जाएंगे आसपास। हमारे लिसनर्स जो होंगे वो आसपास काफी रंगीन माहौल महसूस कर पा रहे होंगे। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपके आगे के क्या करियर प्लानिंग्स हैं? मैं आगे, अभी तो मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ म्यूजिक से। जी, तो वो मैं कंप्लीट करूँगा। जी, एंड मेरा जो मेन मोटो है प्लेबैक सिंगिंग का, वो मैं अभी उसको और भी पॉलिश कर रहा हूँ, जो कि प्लेबैक सिंगर्स में जो गुण दिखने चाहिए वो उस पर मैं वर्क कर रहा हूँ। और मेरा एक बहुत ही बड़ा सपना है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे नाम के आगे भारत रत्न लगे, तो इस पर मैं बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा हूँ, और भगवान का आशीर्वाद हो तो मुझे ये मिल जाएगा। आप तो पहली बार में मुंबई गए हो और साक्षात माँ सरस्वती का आशीर्वाद लेकर आए हो, तो बिल्कुल आपका सपना जरूर साकार होगा, और हम लोग भी उम्मीद करेंगे कि आप हमारे झारखंड का नाम रोशन करें, भारत रत्न जैसे सम्मानित अवार्ड को आप जीतें, उस पदवी को हासिल करें। अब शगुन, हम चाहेंगे कि आप हमारे लिसनर्स को, हमारे श्रोताओं को, हमारे रांची झारखंड वासियों को एक मैसेज दे रेडियो खांची की तरफ से, क्योंकि अब वक्त हो चुका है जाने का। जी, मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जो भी म्यूजिक सीख रहे हैं, जो मैंने अभी इंटरव्यू में बताया कि आप अपना क्लासिकल को तालीम और लें, क्लासिकल सिंगिंग में जो भी म्यूजिक सीखना चाहते हैं, तो उससे क्या होगा कि आपका बेस मजबूत होगा और आप सब गाना गा पाएंगे। और मैं सभी रांची वासियों को यही कहना चाहूँगा और झारखंड वासियों को कि जैसा प्यार आप मुझे दे रहे हैं वैसा ही हमेशा दें, और मैं उम्मीद करूंगा, भगवान से ये प्रार्थना करूंगा कि मैं अपने परिवार और रांची और झारखंड वासियों का नाम खूब रोशन कर सकूं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सगुन आपका आने के लिए, और जाते जाते एक आखिरी गाना सुना दीजिए हमारे लिसनर्स को, ताकि उन्हें भी अफसोस ना हो कि इतना जल्दी क्यों प्रोग्राम खत्म हो गया। जी, मैं अभी भजन के शो से आया हूं, तो मैं चाहूंगा कि एक मैं भजन गा के अपने इंटरव्यू को समाप्त करूं। बिल्कुल बिल्कुल, कौन सा भजन आप सुना रहे हैं? जी, आज मैं शिव भजन एक सुनाऊंगा। बिल्कुल सुनाइए।
डमरू पानी शूल पानी हे नटराजन नमो 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 रोम रोम ओम ओम हे अर्धनाशन नमो 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 डमरु पानी शूल पानी हे नटराजन नमो 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 नमो। शगुन पाठक की आवाज में शिव की आराधना को सुनकर सभी शिव भक्तों के मन में एक अलग सा उमंग और अलग सा आस्था जग रहा होगा वो हम बिल्कुल समझ सकते हैं। लेकिन अब वक्त हो चुका है हमारे जाने का, तो हमारे शो चमकते सितारे में मुझे यानी आरजे वैभवी को दीजिए इजाजत। और मैं आपको बता दूं कि आपके अंदर भी कोई हिडन टैलेंट है तो आप भी हमारे चमकते सितारे में आ सकते हैं, हमें कॉल या व्हाट्सएप करके अपने टैलेंट के बारे में बता सकते हैं। उसके बाद हम कॉल करके आपको बुलाएंगे और आपका भी इंटरव्यू लेंगे हमारे शो चमकते सितारे में और प्रोवाइड करेंगे आपको एक प्लेटफॉर्म। तो हम आपको अपना नंबर बताते हैं, नोट डाउन जरूर करिएगा 9472786904। अगर नहीं नोट किया है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ ना, नोट कर लो 9472786904। वैसे आप हमें radiokhaji.in पे जाकर हमारे वेबसाइट के थ्रू लाइव भी सुन सकते हैं, साथ ही रेडियो खांची के फेसबुक और इंस्टा आईडी पे हमें फॉलो भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए रेडियो खांची 90.4 FM, हम सबका रेडियो।